हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद यश रेखा। मेरा नाम है यश और हम लोग हेलसिंकी फिनलैंड में रहते हैं। सो आज मैं एक नई ट्रैवल सीरीज़ शुरुआत करने जा रहा हूँ और हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं एक नई कंट्री को। आपने डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल में देख ही लिया होगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। यस, हम लोग इटली जा रहे हैं और इटली में मेजर सिटीज़ को कवर करने वाले हैं इस ट्रैवल सीरीज़ में अपनी। मैं आपको बताऊँ कहाँ कहाँ जाने वाले हैं इटली में। हम लोग अपनी ट्रिप की शुरुआत करेंगे वेनिस से, हम उसके बाद जाएंगे पीसा और उसके बाद फ्लोरेंस एंड लास्ट स्टॉप होगा हमारा रोम। मैं अभी हूँ हेलसिंकी एयरपोर्ट पर और हम लोग नॉर्वेजियन एयरवेज की फ़्लाइट लेने वाले हैं जो हमको 3 घंटे में वेनिस पहुँचा देगी। बट आप अगर कहीं और से, स्पेशली इंडिया से अपनी ट्रिप को प्लान करने वाले हैं या अपनी ट्रैवल जर्नी को प्लान करने वाले हैं, सो आप आइदर रोम आ सकते हैं या वेनिस आ सकते हैं। अगर आप वेनिस आएंगे तो आप हमारी वाली ही ट्रैवल प्लान को फॉलो कर सकते हैं, या आप अगर रोम आएंगे तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप हमारी सिटी बाय सिटी ट्रैवल प्लान को फॉलो कर लेंगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, जैसे कि बजटेड हो आपका होटल, कहाँ पर आप खा सकते हैं वेजिटेरियन फूड क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन हैं, और आप क्या क्या टूरिस्ट अट्रैक्शन पर जा सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ के साथ आप बने रहिए और आगे वीडियो में मैं आपके साथ अभी नॉर्वेजियन एयरवेज का अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा जो काफ़ी हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए जो यूरोप में ही ट्रैवल करेंगे इटली के लिए थ्रू नॉर्वेजियन एयरलाइंस। सो आप इस वीडियो सीरीज़ के साथ बने रहिए और उम्मीद है आपको मेरा ट्रैवल प्लान पसंद आएगा। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन एज़ वेल। स्टे ट्यून्ड। वेनिस एयरपोर्ट के बाहर आकर आपको टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन काउंटर से वेनिस मेन आइलैंड तक जाने के लिए बस या वाटर टैक्सी का टिकट आपको इसी काउंटर से मिल जाएगा, और आपको वेनिस सिटी के लिए वेपोरेटो और बोट राइड का अगर सिंगल डे, 2 डे, 3 एंड 7 डेज का पास भी लेना है तो आपको इसी टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन काउंटर से मिल जाएगा। अगर आप हमारी तरह वेनिस एयरपोर्ट से वेनिस मेन आइलैंड तक बस से जाना चाहते हैं तो आपको 5 नंबर की बस वेनिस एयरपोर्ट के बाहर से लेनी होगी। सो अभी हम लोग हैं वेनिस सिटी में। सो वेलकम टू वेनिस। सो मैं यहाँ तक आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि मैं हेलसिंकी से यहाँ पर आया हूँ वेनिस में, और मैंने नॉर्वेजियन एयरलाइंस की फ़्लाइट का यूज़ किया था। नॉर्वेजियन का मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो नॉर्वेजियन एयरलाइंस जो है आपका, जैसे कि इंडिया में गो एयर, स्पाइस जेट या इंडिगो की बजट एयरलाइंस होती है, वही एक पैकेज बजट एयरलाइंस है यूरोप की। और उसको चूज़ करने का स्पेसिफिक रीज़न मेरा यही था क्योंकि वो सबसे बेस्ट मिल रहा था मुझे प्राइस यहाँ पर आने के लिए। बस थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुई फ्लाइट के अंदर कि वो हर आधा घंटे में अनाउंसमेंट कर रहे थे, क्योंकि मेरी 3 घंटे की फ़्लाइट थी तो मुझे काफ़ी तकलीफ हुई, मैं आराम भी ढंग से नहीं कर पाया। आगे मैं आपको बताऊं, जब आप वेनिस एयरपोर्ट पर आएंगे तो आप मेन सिटी, वेनिस की जो सिटी है उससे आइलैंड जो है कटा हुआ है, वेनिस जो आइलैंड है मेन सिटी से कटा हुआ है, तो आप यहाँ पर इस आइलैंड पे आने के लिए आप 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 तो बस ही हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक, और दूसरा वाटर टैक्सी। यहाँ तक ट्रेन नहीं आती। सो आप जब वाटर टैक्सी लेंगे तो उसका पर पर्सन चार्ज आपको लगेगा 15 यूरोस। अगर आप प्राइवेट बस लेंगे जो प्राइवेट ओनरशिप वाली होती है, उसका प्राइस है आपका 8 यूरोस, और आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करेंगे तो उसका प्राइस पड़ेगा आपको 7 यूरोस। जब आप वेनिस इस आइलैंड पे आ जाएंगे, वेनिस के इस आइलैंड पे, यहाँ पर कोई भी रोड नहीं है, इस आइलैंड पे सारी की सारी आपको वाटर टैक्सी चलती है जिसको वेपोरेटो बोलते हैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज में, और जिसका सिंगल जर्नी का पास आपका जो 45 मिनट्स तक वैलिड होता है उसका प्राइस है 7.5 यूरोस। बट अगर आप 1 डे पास लेंगे तो उसका प्राइस आपको पड़ेगा 21 यूरोस, जो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, जिससे कि आप कोई से भी वेपोरेटो में एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स विद इन अ सिंगल डे। सो मैं अभी वेपोरेटो राइड लेने वाला हूँ, मैं अपनी जो मैंने यहाँ पर पास लिया है उसकी मदद से, और मैं यहाँ के जो मेन स्टॉप है, बस स्टॉप है, वहाँ से सेंट मार्को जो स्क्वायर है वहाँ तक की वेपोरेटो राइड लूँगा, और आगे आपको दिखाऊंगा
कि मैं वहाँ पर सेंट मार्कोस स्क्वायर में क्या क्या देखने वाला हूँ, क्योंकि वो मेन स्क्वायर है यहाँ का। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वेपोरेटो का स्टॉप है, जहाँ पर वेपोरेटो बोट चलती है उसका स्टॉप है ये, और यहाँ पर रोड्स नहीं है। तो आप जब भी कभी वेनिस सिटी आएंगे, आपको ये वेपोरेटो ही लेनी है, और आप यहाँ पर कहीं पे भी किसी भी आइलैंड पे जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वेपोरेटो। और ये हमने डे पास में लिया है, और डे पास हमको 21 यूरोस का पड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया था। आप इस डे पास को यूज़ करके किसी भी वेपोरेटो में हॉप एंड हॉप ऑफ ईजिली कर सकते हैं। सो अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, इस प्लेस का नाम है प्याजा सेंट मार्क्स स्क्वायर। ये वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट है वेनिस का, और यहाँ पर आप आ सकते हैं सेंट लूसिया से वेपोरेटो के थ्रू, जिसको आप वाटर टैक्सी भी बोल सकते हैं। सेंट मार्क्स स्क्वायर पर जब भी आप आएंगे, आपको यहाँ पर कैंपेनिन टावर दिखेगा, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये, और उसी के साथ साथ उसी के पीछे आपको दिखेगा सेंट बेसिलिका चर्च। इस सेंट बेसिलिका चर्च के बारे में आपको बताऊं, मैं 830 एडी में यहाँ पर सेंट बेसिलिका की बोन्स को लेकर आया गया था, जिससे कि इस प्लेस को और इस चर्च को और भी ज़्यादा रिलीजियस प्रेजेंस मिल गई थी, और उसी की वजह से यहाँ पर लोग काफ़ी आने लग गए। सो यहाँ पर एक वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट है पूरे यूरोप का, और ख़ास तौर से एक कैंपेनिन टावर भी। कैंपेनिन टावर यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी टावर की तरह पहले यूज़ करा गया था, जिससे कि वो दूर से आती हुई शिप्स को देख सकें। ये 1908 में ये कैंपेनिन टावर गिर गया था, इसको ऑब्जर्वेटरी टावर भी बोलते हैं। 10 साल के बाद इसको फिर से बनाया गया, और भी लंबा बनाया गया। आप जब इस कैंपेनिन टावर के टॉप पे जाएंगे, आप इस कैंपेनिन टावर से इस पूरी सिटी का 360 डिग्री व्यू भी ले सकते हैं, इसको बर्ड आई व्यू भी बोलते हैं। और इस कैंपेनिन टावर के अंदर जाने के लिए आपको 10 यूरोस की एंट्री फीस देनी होगी, और इसके अंदर एक एलिवेटर है जो आपको ऊपर टॉप पे ले जाएगी, और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर काफ़ी अदर चीज़ें भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ लाइव म्यूजिक चल रहा है पीछे, और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स देख सकते हैं, जो कि मेडिवल टाइम से यहाँ पर हैं, जो रिजेंबल करती हैं पुराने आर्किटेक्चर को, और साथ ही साथ इस मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ काफ़ी सुंदर लगती है। तो आप देख सकते हैं ये पीछे गवर्नमेंट बिल्डिंग है पूरी। ये आप जो व्यू देख रहे हैं, ये कैंपेनिन टावर के टॉप पर जाकर दिखेगा। आप सामने देख पा रहे हैं डॉजीज पैलेस, और उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्रेट कैनाल, जो यहाँ पर एंड हो रही है, और ये है एकदम वेनिस सिटी का 360 डिग्री बर्ड आई व्यू, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है कैंपेनिन टावर के टॉप से। और आप टावर के टॉप से देख पाएंगे एड्रियाटिक सी में कई सारी प्राइवेट बोट्स, वेपोरेटोज और क्रूज शिप्स। रेनेसेंस टाइम पर इसी एड्रियाटिक सी का यूज़ करके कैनाल के थ्रू यहाँ पर 1400 और 1500 में ट्रेड किया जाता था। कैंपेनिन टावर के टॉप से आपको सामने सेंट जॉर्ज आइलैंड भी दिखेगा, जहाँ के ऑब्जर्वेटरी टावर से आप पूरी वेनिस सिटी देख सकते हैं। वेनिस शहर जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है, ये रेनेसेंस टाइम पीरियड में बनवाया गया था, और ये 100 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर कोई भी रोड्स नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कैनाल है, और उस कैनाल पर आप वाया बोट ही ट्रैवल कर सकते हैं। इस वेनिस शहर में जो मेन स्क्वायर है, जिसका नाम है प्याजा सेंट मार्को स्क्वायर,
जहाँ पर सेंट बेसिलिका और कैंपेनिन टावर हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पर दो छोटे छोटे आइलैंड हैं जहाँ पर यहाँ के लोकल लोग रहते हैं, जिसका नाम है मुरानो और बुरानो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वर्ल्ड फेमस वेनिस की गंडोला राइड्स और वहाँ का रियाल्टो ब्रिज, जहाँ से आपको ग्रेट कैनाल का ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आपको ले जाऊँगा लोकल मुरानो आइलैंड जो फेमस है अपने ग्लास आर्टिफैक्ट्स के लिए। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शो योर सपोर्ट एंड लव टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन।